ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जिससे सुनने के बाद सबकी रूह कांप गई थी, जो 1981 में योसी नाम के आदमी के साथ एडवेंचर के दौरान दर्दनाक तरीके से घटी थी। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से देखते और सुनते हैं कि जब कोई दुनिया के सबसे भयानक जंगल अमेज़न में लापता हो जाता है तो वो वहां पर कैसे सरवाइव करता है। कहानी की शुरुआत में योसी को दिखाया जाता है जो अमेज़न जंगल में एडवेंचर करने के लिए बोलीविया पहुंच जाता है, क्योंकि वहीं से ये अपने सफर को शुरू करेगा। यहाँ पर इसकी मुलाकात पहले मार्कस से होती है और मार्कस की मुलाकात अपने पुराने दोस्त केविन से होती है, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता है। वो उसको योसी से मिलवाता है। कुछ ही दिनों में ये तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन योसी की मुलाकात काल नाम के आदमी से होती है और वो इससे बात करना शुरू कर देता है। तब काल को पता चलता है कि इसको अमेज़न के जंगलों में एडवेंचर के साथ उन चीजों को तलाश करनी है जिसको आज तक किसी ने नहीं ढूंढा होगा। तब वो योसी से बताता है कि उन जंगलों में एक ऐसी छुपी हुई दुनिया है जिससे इंसान आज तक अनजान है, और मुझे लगता है कि शायद तुम मेरे साथ उसको ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे, जो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जब तुम उनसे मिलोगे, उसकी बात का योसी के दिमाग पर ऐसा असर होता है कि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये बात वो मार्कस और केविन से बताते हुए अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो दोनों ही जाने से मना कर देते हैं। तब योसी इनको बस एक बार काल से मिलने को कहता है, जिसके लिए वो मान जाते हैं। और अगले दिन जब ये उससे मिलते हैं तो इनको अपने साथ जाने के लिए वो मना लेता है, क्योंकि केविन एक फोटोग्राफर था और उसके लिए ये एक मौका है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, जिसको वो अपने हाथ से जाने नहीं देता। जब दो लोग जाने के लिए तैयार थे तो मार्कस भी रेडी हो जाता है। इनके साथ आगे सफर में क्या होगा क्या नहीं, ये सब बातें इग्नोर करके अगले दिन चारों अपने सफर को शुरू कर देते हैं। रास्ते में काल इनको उन्हीं आदिवासी के बारे में बताते हुए जाता है। उसकी बातें सुनकर ये तीनों और भी ज्यादा उस कबीले तक पहुंचने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। मगर पहले उसकी बात पर सिर्फ योसी ही भरोसा करता था, लेकिन अब काल इनको एक कबीले वालों से मिलवाता है तो उन दोनों को भी उसके ऊपर यकीन हो जाता है कि काल सही बोल रहा है। उन कबीले वालों के साथ एक रात बिताने के बाद ये सब फिर से अपने सफर को शुरू कर देते हैं, और इसके बाद इनके साथ वो सब भयानक घटना स्टार्ट हो जाता है जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये अपने सफर को काफी एंजॉय करते हैं, मगर मार्कस का दोनों पैर सड़ना शुरू हो जाता है, जिससे उसको चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। उसकी वजह से इनकी रफ्तार बहुत स्लो हो गई थी। उसको देखकर काल कहता है, अगर हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे तो वहां तक पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे, और अगर बारिश शुरू हो गई तो हम सब इधर ही फंसकर मारे जाएंगे, और मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। योसी भी उसकी बात से सहमत था, लेकिन केविन कहता है कि वो हमारे साथ आया था, हम उसको ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकते। इसलिए केविन उसके बैग को अपने साथ लेकर चलना शुरू कर देता है, मगर इससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पहले से उसके पैर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। मार्कस ये महसूस करता है कि उसकी वजह से ये सब काफी डिस्टर्ब हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता जिससे उसके पैर ठीक हो सके। इसलिए अब ये तय करते हैं, हम सब राफ्ट बनाकर नदी के रास्ते वापस लौटेंगे, जिससे मार्कस के पैरों को ठीक होने के लिए कुछ टाइम मिल जाएगा। लेकिन काल इनको इस रास्ते जाने से मना करता है, मगर ये लोग उसको चलने के लिए तैयार करके राफ्ट बनाकर वापस लौटने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और बहुत जल्द नदी का लहर काफी तेज हो जाता है, जिससे इनको आगे जाने में बहुत दिक्कत होती है। इनका आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी होने लगता है, क्योंकि काल के इंटरेक्शन को केविन फॉलो नहीं करता, इसलिए वो राफ्ट को किनारे पर लगा के कहता है, हम आज की रात यही रुकेंगे, अगले दिन बचे हुए सफर को पूरा करेंगे। ये बोलकर वो खाने की तलाश में जंगल की ओर चला जाता है। अगली सुबह ये लोग राफ्ट से निकलने की तैयारी करते हैं, तब काल इनके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो पैदल ही अपने सफर को पूरा करेगा। साथ ही बताता है कि मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा।
तुम में से जो भी मेरे साथ आना चाहता है वो आ सकता है, क्योंकि मैं अब उस राफ्ट से नहीं जाऊंगा। दरअसल इन्होंने जिस कबीले से अपने सफर को शुरू किया था, ये सब अब वापस वहीं पर जाना चाहते हैं, क्योंकि मार्कस चलने की हालत में नहीं था, इसलिए इनको ना चाहते हुए भी वापस लौटना पड़ता है, नहीं तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। केविन पैदल नहीं जाना चाहता और योसी मार्कस का साथ नहीं छोड़ना चाहता। ये आपस में तय नहीं कर पाते कि कौन काल के साथ पैदल जाएगा और कौन केविन के साथ राफ्ट से। लेकिन मार्कस के पैर अब थोड़े बहुत चलने के लायक ठीक हो चुके थे, इसलिए वो खुद ही काल के साथ जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि केविन उसको अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है और ये बात मार्कस समझ चुका था। इसलिए वो वापस लौटने के लिए सफर को काल के साथ शुरू कर देता है और ये दोनों राफ्ट से कुछ देर तक तो आराम से जाते हैं, मगर जल्द ही नदी का बहाव बढ़ जाता है, जिसको ये दोनों मिलकर भी अपने राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते और एक चट्टान से टकरा जाते हैं, जिससे ये कुछ देर के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। केविन पानी में कूद कर किनारे पहुंच जाता है ताकि वो योसी को भी बाहर निकाल सके, मगर वो ऐसा करने में असफल हो जाता है, क्योंकि बहाव इतना तेज हो चुका था जो उसको अपने साथ लेकर चला जाता है और वो बड़ी मुश्किल से खुद को नदी से बाहर निकालता है। लेकिन अब ये एक दूसरे से काफी दूर हो चुके थे, तभी उसको अपना बैग दिख जाता है, जिसको लेने के लिए वो एक बार फिर से नदी में कूद कर अपने साथ लेकर बाहर निकल जाता है। उसके बाद ये अपना लोकेशन केविन के लिए यहीं पर छोड़ के आगे बढ़ जाता है। इसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, जिससे इसकी हालत खराब हो रही थी। तभी इसको कुछ फ्रूट जमीन पर दिख जाते हैं, लेकिन ये उनको नहीं लेता, बल्कि पेड़ से तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। तभी एक स्नेक इसको दिख जाता है, इसलिए अब ये फ्रूट को छोड़कर उस स्नेक को मारकर ही अपना पेट भरता है, जो जंगल में बहुत नॉर्मल सी बात थी। इतने बड़े फॉरेस्ट में वो अब अकेला हो चुका है, जिससे उसके दिमाग पर असर पड़ता है। उसको लगता था कि कोई उसके आसपास है, मगर बहुत जल्द उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, यानी कि उसको अब भ्रम होने लगा है। इसलिए ये खुद को यकीन दिलाता है कि वो लोग इसको ढूंढने जरूर आएंगे, इसलिए इसको चलते रहना होगा। तभी इसके सर में दर्द होता है। जब ये उसको देखता है तो वहां पर हल्का सूजन था, लेकिन उसको इग्नोर करके ये आगे बढ़ जाता है। रात को देखता है कि मार्कस इसके पास अकेला ही है। जब ये टॉर्च जलाकर चेक करता है तो वहां पर इसके अलावा दूसरा कोई नहीं था। सुबह तक उसके सर का दर्द काफी बढ़ गया था, तब ये उसको चीरा लगाकर देखता है तो उसमें एक कीड़ा था जो इसके सर में घुस गया था, जिसको ये बाहर निकालकर खुद भी वहां से आगे बढ़ जाता है। रास्ते में इसको दो अंडे दिखते हैं, जिसको ये बिना देर किए खा लेता है, क्योंकि दो दिनों से इसने कुछ नहीं खाया था, जिससे थोड़ी सी इसको राहत मिलती है और अब ये एक बार फिर से अपने सफर को कंटिन्यू करता है। इस बार वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर ये चारों पहले ही रुके थे और अब इसके भी पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। जब ये उसको देखता है तो बिल्कुल वैसे ही जख्म इसके भी पैरों में हो चुका था जैसा मार्कस को था पहले उसके दर्द का। इसको कोई अंदाजा नहीं था कि वो कितने दर्द में है। इसको लग रहा था कि वो बस नाटक कर रहा है यहां से बाहर जाने के लिए, लेकिन अब इसको उसके दर्द का एहसास हो चुका था कि मार्कस वाकई में काफी तकलीफ में था, क्योंकि उसी दर्द को अब ये भी झेल रहा है। आज की रात योसी यहीं पर बिताकर सुबह ये अपने सफर को शुरू करता है, लेकिन एक बार फिर से ये उसी जगह पहुंच जाता है जहां से कल ये गया था, क्योंकि वो दोनों अंडे इसको दिख जाते हैं, जिससे ये फ्रस्ट्रेटेड होकर चीखने लगता है। वही दूसरी ओर जंगल में दो लोग आए थे, उनको केविन नदी के किनारे बेहोश मिलता है। उसको वो अपने साथ गांव लेकर चले जाते हैं। इधर योसी अभी नदी के किनारे पर नहीं पहुंच पाया था और आज की रात बारिश भी काफी तेज होती है। वो जहां पर सोया था वो जगह पानी से भर जाता है, इसलिए उसको वहां से भागना पड़ता है। धीरे धीरे 17 दिन इस जंगल में इसको बीत जाते हैं। अगली सुबह इसको प्लेन की आवाज सुनाई देती है। ये उनको देखता है, लेकिन वो लोग इसको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जंगल बहुत घना था और वो यहां से आगे निकल जाते हैं।
दरअसल केविन पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो योसी की तलाश में निकला था, लेकिन उसके हाथ भी निराशा ही लगता है क्योंकि उनका प्लेन काफी ऊपर था जिससे वो नीचे नहीं देख पाते हैं, और ये बात वो ऑफिसर को भी बताता है, लेकिन दूसरी बार वो इसकी मदद करने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसको आज जंगल में लगभग 3 हफ्ते बीत चुके हैं। इनके हिसाब से अब तक तो वो मर चुका होगा, मगर केविन हार नहीं मानता है। उसके जज्बे को देखते हुए ऑफिसर केविन को एक आदमी का पता बताता है जो जंगल के रास्ते अच्छे से जानता है। ये उसको अपने साथ जाने के लिए मना लेता है। एक बार फिर से ये दोनों ही योसी की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर उसको एक लड़की का साथ मिल गया था। सफर के दौरान योसी उससे बात करके अपने अकेलेपन को दूर करता है, लेकिन उसको बहुत जल्द समझ में आ जाता है कि वो उसका वहम था। सुबह एक बार फिर से ये अपने सफर को शुरू करता है, लेकिन इस बार योसी दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत तेजी से उसके अंदर धंसता चला जा रहा था। इसलिए पहले वो खुद को शांत करता है, उसके बाद एक झाड़ की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करता है जिसमें वो सफल हो जाता है, लेकिन अब उसके अंदर एक कदम भी चलने की शक्ति नहीं बची थी कि ये नदी के किनारे पहुंच सके। तभी इसको अमेज़न की जहरीली फायर एंट दिख जाती है जो इसको पहले भी काट चुकी थी। दरअसल जब ये लोग राफ्ट बना रहे थे उसी वक्त एक चींटी ने इसको काटा था जिससे योसी को बेइंतहा दर्द हुआ था, और अब ये उन्हीं चींटियों का यूज करके नदी तक जाने की कोशिश करता है जिसमें इसको एक बार फिर से दर्द का सामना करना होगा, नहीं तो ये मारा जाएगा। और ये करता भी बिल्कुल वैसा ही है जिससे ये नदी के पास पहुंचकर उसी जोश में मदद के लिए निशान बनाता है ताकि कोई भी ऊपर से उस निशान को देखकर इसको बचाने आ जाए। अगली सुबह केविन उस आदमी के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन इनको वहां पर कोई नहीं दिखता। साथ ही इस उम्मीद में उसको कई बार आवाज भी लगाता है जिसका इनको कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए केविन हताश होकर यहां से वापस जाने लगता है। योसी ने जो निशान बनाया था ये उसको नहीं देख पाते और यहां से निकल जाते हैं, मगर योसी जो वहीं पास में सोया था वो उनकी आवाज सुन लेता है, लेकिन उसके अंदर अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो उनको बुला सके। इसलिए वो अपनी बची हुई पूरी ताकत का इस्तेमाल करके खड़ा होता है, लेकिन तब तक वो यहां से निकल चुके थे। इसकी आखिरी उम्मीद उन्हीं के साथ जाती हुई दिखती है। लाचार और बेबस होकर ये बस एक टक उनको देखता ही जाता है। तभी बाई चांस केविन पलट के देखता है तो उसको योसी दिख जाता है और वो तुरंत बोट को रिटर्न लेकर आता है। उसको भी लगता था कि योसी सच में मारा गया, लेकिन उसको जिंदा पाकर वो बहुत खुश होता है। उसको जब केविन वापस लेकर आता है तब सभी लोग उसको बहुत ध्यान से देख रहे थे क्योंकि ये सब मान चुके थे कि जंगल में जितने भी लोग गए थे वो सब मारे गए। आखिर में ये बताया जाता है कि काल एक क्रिमिनल था जो रहस्यमय कबीले वालों से मिलवाने के बहाने जंगल में किसी न किसी को लेकर जाता, और उनके साथ वो क्या करता ये बस वही जानता था। और इस बार उसका शिकार मार्कस के साथ योसी और केविन थे। इन तीनों में से वो सिर्फ मार्कस को ही अपने साथ लेकर जा पाता है, जिसका कई हफ्ते तलाश करने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चलता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी।